इवनिंग के इस वीडियो में हम डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं जहां हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। अब यहां पे अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारे पास कंक्लूजन है उसमें जो टर्म दिया गया है क्रोकोडाइल और फेस, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन में अवेलेबल है। तो यदि हम देखें क्रोकोडाइल और फेस, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं। इनके बीच कॉमन टर्म अवेलेबल है टॉर्टवाइज, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट। तो ऑल प्लस नो नो हुआ तो नो फेस इज अ क्रोकोडाइल, ये हम लोगों का निष्कर्ष बना। और हमें मालूम है कि नो से नो डिराइव हो सकता है, तो इस कारण से दूसरा वाला कंक्लूजन भी सही हुआ और पहला वाला कंक्लूजन भी सही हुआ, बिकॉज नो क्रोकोडाइल इज फेस यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, बुक और पेंसिल की बात है। बुक और पेंसिल दो अलग अलग स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं। कॉमन टर्म पेन अवेलेबल है, सम प्लस नो सम नॉट बना, तो इसका निष्कर्ष बना सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स। जैसे ही यह निष्कर्ष बना हमें मालूम है कि सम नॉट से कुछ भी डिराइव नहीं होता फर्दर कंफर्म केस में, तो इस कारण से यह भी गलत हुआ यह भी गलत हुआ। लेकिन सम और नो का कॉम्बिनेशन है, टर्म सेम है, तो इस कारण से आइदर कंक्लूजन वन इज करेक्ट और कंक्लूजन टू इज करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिटी और टाउन की बात हो रही है। सिटी और टाउन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में हैं। कॉमन टर्म भी अवेलेबल है लेकिन डिजायर्ड प्लेस पे नहीं है। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों सम वाला स्टेटमेंट है, तो सम प्लस सम नो कंक्लूजन होता है, इसे कन्वर्ट भी कर देंगे तो सेम चीज रहेगा, तो इस कारण से सिटी और टाउन इनके बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ सम सिटी या टाउन भी गलत हुआ, नो सिटी या टाउन भी गलत हुआ। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है सम और नो का कॉम्बिनेशन, यहाँ सिटी और टाउन है दोनों टर्म सेम है, तो अगेन इस केस में भी या तो निष्कर्ष एक सही होगा या निष्कर्ष दो सही होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास दिया गया है कंक्लूजन इंडियन और विजिटर। इनकी अगर बात की जाए तो पहले स्टेटमेंट में विजिटर और इंडियन अवेलेबल हैं। सम विजिटर्स आर इंडियन, सम से सम डिराइव हो सकता है, तो इस कारण से पहला निष्कर्ष सही हुआ। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें ऑल इंडियंस आर विजिटर की बात है, सम से ऑल डिराइव नहीं होता कन्फर्म केस में, इसलिए यह गलत हुआ। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो केवल निष्कर्ष एक सही है। आगे बढ़ते हैं, सम फूल्स आर इंजीनियर्स, फूल और इंजीनियर एक ही स्टेटमेंट में अवेलेबल है, तो सम से सम डिराइव हो सकता है, डेफिनेटली पहला कंक्लूजन सही हुआ। आनंद इज अ फूल, कोई सा भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर क्वालिफायर ना लगा हो तो उसे ऑल की तरह इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर कथन की बात करें तो ऑल आनंद इज एन इंजीनियर, कॉमन टर्म इंजीनियर है, यह प्रेडिकेट के पोजीशन पे ऑल वाले स्टेटमेंट में हुआ, ऑल प्लस सम नो कंक्लूजन, तो इसलिए आनंद और फूल के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डॉक्टर और रिच की बात की जा रही है, सम डॉक्टर्स आर फूल्स एंड सम फूल्स आर रिच, सम प्लस सम नो कंक्लूजन, तो इस कारण से डॉक्टर और रिच के बीच में कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दोनों निष्कर्ष गलत हुए, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मेनी स्कूटर्स आर ट्रक, मेनी हम मालूम है कि यह सम की तरह इंटरप्रेट होता है, तो सम स्कूटर्स आर ट्रक, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स, तो अब हमें मालूम है कि कॉमन टर्म यहाँ अवेलेबल है ट्रक, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, सम प्लस ऑल सम हुआ, तो इसका निष्कर्ष बनेगा सम स्कूटर्स आर ट्रेन, जो कि पहला कंक्लूजन है। नो ट्रक इज स्कूटर, सम से कभी भी नो की बात नहीं की जाती, इस कारण से ये क्या हुआ गलत हुआ, ओनली कंक्लूजन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें, गन और बोट की बात हो रही है, गन और बोट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में हैं और कॉमन टर्म पोल है, लेकिन यहाँ सम नॉट की बात हो रही है,
सम नॉट प्लस एनीथिंग, नो कंक्लूजन, तो इस कारण से गन और बोट के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बोट और अगर बात की जाए गन की, तो यहाँ सम बोट्स आर नॉट गन। तो अभी हम लोगों ने देखा बोट और गन के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो इस कारण से ये भी गलत हुआ। अब यहाँ पर ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन है, और इसमें हमें मालूम था कि जो सब्जेक्ट रहना चाहिए दोनों कथनों में वही सब्जेक्ट रहना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए, यहाँ जो कि लागू नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, अर्थात नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हॉर्सेज और हेंस की बात है। पहले कंक्लूजन में हॉर्सेज और हेन दो अलग अलग स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं। कॉमन टर्म काउ अवेलेबल है, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट, दूसरे का सब्जेक्ट। सम प्लस ऑल हुआ, तो इसको कंबाइन करके हम निष्कर्ष पाते हैं सम हेंस आर हॉर्सेज, और ये आपका सेकेंड कंक्लूजन है। और सम से सम भी डिराइव हो सकता है, तो हम कह सकते हैं सम हॉर्सेज आर हेंस, तो इस कारण से दूसरा निष्कर्ष भी सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो दोनों निष्कर्ष सही हुए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पेन और चेयर की बात हो रही है, चौक और पेन की बात हो रही है। तो वन बाई वन, पेन और चेयर ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो चौक कॉमन टर्म है जो कि डिजायर्ड प्लेस पे नहीं था, तो हम कन्वर्ट करेंगे सम ऑल सम में कन्वर्ट होता है, तो सम चॉक्स आर चेयर्स, सेकेंड स्टेटमेंट को यदि कन्वर्ट किया जाए तो अब डिजायर्ड प्लेस पे आ गया, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट हो गया कॉमन टर्म, दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। ऑल प्लस सम नो कंक्लूजन, तो पेन और चेयर के बीच में कोई सा भी कंक्लूजन नहीं डिराइव होगा। नेक्स्ट अगर बात करें चौक और पेन एक ही स्टेटमेंट में अवेलेबल है, पहले वाले में ऑल से सम डिराइव हो सकता है, तो निश्चित तौर पे ये जो कंक्लूजन है वो सही हुआ। अगले की प्रश्न की अगर बात की जाए तो हमारे पास चॉकलेट और टॉफीज की बात है। चॉकलेट और टॉफी एक ही स्टेटमेंट में अवेलेबल है, ऑल से सम डिराइव हो सकता है, तो डेफिनेटली यह कंक्लूजन सही हुआ। दूसरे कंक्लूजन की अगर बात करें, टॉफी और पेस्ट्री है, ये पहले स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं ये दो टर्म, ये सम के साथ रिलेशन है, तो निश्चित तौर पे सम से सिर्फ और सिर्फ सम डिराइव होता है कंफर्म केस में, सम नॉट की बात नहीं होती, इस कारण से यह जो कंक्लूजन है वो गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो केवल निष्कर्ष एक सही है, ओनली कंक्लूजन वन इज फॉल। थैंक यू।